हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं ज़्यादातर वीडियो अपने मतलब जो मेरे पास जो मैसेज आते हैं या मुझसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं उसी आधार पर वीडियो बनाता हूँ। तो आज का भी हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जब एडसेंस हमारे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करता है तो क्या उससे पहले हमें कोई मैसेज या ईमेल सेंड करता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम आपको पूरी डिटेल के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। YouTube अब ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहाँ पर हर रोज़ नए लोग YouTube से जुड़ रहे हैं, इस पर अकाउंट बना रहे हैं और यूट्यूबर बनने की चाह रख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे YouTube से कनेक्ट एडसेंस अकाउंट की, जिसमें हमारा जो कि हमें हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करता है। तो जो पेमेंट हमें एडसेंस के द्वारा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, उससे पहले मेल आता है, SMS आता है। तो मैं आपको बता दूँ कि YouTube अपने हर अपडेट हमें देता रहता है। जैसे कि हमारे पेमेंट ट्रांसफ़र की बात की जाए तो बिल्कुल हमें ईमेल करता है, जिसकी एक तारीख होती है, हमारे एक निश्चित डेट पर हमारे पास मेल आता है और उसमें क्या लिखा होता है वो भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो मेल आता है उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है और क्या क्या जानकारी हमारे बैंक ट्रांसफ़र में मतलब जो पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ होता है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे ईमेल चेक करेंगे और देखेंगे कि जो एडसेंस हमें पेमेंट ट्रांसफ़र करता है उसका हमें क्या ईमेल हमें सेंड करता है, उस पर क्या क्या लिखा हुआ होता है। चलिए हमारे गूगल पर चलते हैं। यहाँ पर हमें हमारी ईमेल आईडी ओपन करनी होगी जो कि हमारे यूट्यूब अकाउंट से लिंक है, यानी जो हमारा एडसेंस अकाउंट वो जो हमारी यूट्यूब अकाउंट से लिंक है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। पासवर्ड हमें देना होगा। पासवर्ड डाल दिया है, अभी ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर का ईमेल है वो हमें एडसेंस यानी गूगल की ओर से आता है, गूगल एडसेंस, और ये हर महीने की 21 तारीख को हमारे पास आता है। यदि हमारे एडसेंस अकाउंट में $100 से ऊपर हो जाते हैं तो हर महीने की 21 तारीख को ये हमारे पास मैसेज हमें सेंड कर दिया जाता है कि आपके एडसेंस का पेमेंट आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो चुका है। चलिए इसे ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, वी सेंट ए पेमेंट फॉर योर एडसेंस पब्लिश, या हमारी आईडी है, अर्निंग्स ऑन July 21, 2019, यानी कि 21 तारीख को हमारी जो एडसेंस की पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। इफ़ यू हैव एंड रिसीव योर पेमेंट विद इन 5 business days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ईमेल, प्लीज़ कॉन्टेक्ट यूर बैंक। हम आपको इसका ट्रांसलेट करके जल्दी से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हमने July 21, 2019 को आपके एडसेंस पब्लिशर आईडी कमाई के लिए भुगतान भेजा, यानी जो हमारे एडसेंस आईडी है उससे हमें हमारा जो पेमेंट है वो भेज दिया गया। यदि आपको ईमेल की तारीख से 5 दिनों के भीतर अपना भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है तो कृपया अधिक विवरण के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। यानी कि जैसे कि हमें यहाँ पर मेल आया है 21 और 21 से 5 दिन यानी 26 तारीख तक हमें अगर पेमेंट नहीं मिलता है और यहाँ से कोई हमें अपडेट ईमेल नहीं आता है तो हमें हमारी बैंक से कांटेक्ट करना होता है कि हमारा पेमेंट कहाँ रुका हुआ है, उसकी वे जानकारी देते हैं। तो ठीक है, चलिए इसे करते हैं क्लोज और आते हैं हमारी वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इस तरीके का मेल हमारे पास आता है एडसेंस के द्वारा जो कि हमारे यूट्यूब चैनल से लिंक होता है और हमारे पास जो पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है उसका एक मैसेज आता है और हमें ये बता दिया जाता है कि इतने से इतने दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में आपकी पेमेंट पहुंच जाएगी। जो भी उनका बिजनेस डेज होता है उसके अंदर हमारे बैंक अकाउंट में हमारी पेमेंट आ जाती है। अगर बाय चांस कोई दिक्कत आती है तो उसका भी हमें ईमेल आ जाता है कि इस कारण से अभी आपकी पेमेंट नहीं आ पाएगी, तो उसका भी ईमेल हमें आता है। तो आप बिल्कुल भी मतलब इस बारे में नहीं सोचिएगा कि हमारे पास किसी भी अपडेट का ईमेल नहीं आता होगा जो कि यूट्यूब से रिलेटेड हो। तो इसी प्रकार की जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। बाय।